चार रोटी पत्ती। तो रोज जड़िया चीजा तेन पसंद आओ बनानी है। इसका वैसे ना मुझे ब्रश बहुत अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया फ्लैट है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए, हाई करने के लिए। दोस्तों आज मैंने शूट की है स्कार्स को कवर करने की वीडियो। अभी मैं क्विकली मेरा आई मेकअप करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आई मेकअप ना मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं करती हूँ एवरीडे के लिए, सो मैं क्या करती हूँ, जो ब्राउनजर मैंने यूज़ किया है मेरे चेहरे के लिए उसे एक फ्लफ़ी ब्रश पे लूँगी एंड सारी आई पे हम लगा लेंगे, ताकि ये जो फाउंडेशन या कंसीलर हमने हमारी आई पे लगाया है वो सेटल हो जाए। इसी तरह इस तरह एक ही बार लेंगे हम प्रोडक्ट, बार बार नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा लेके ना मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी। एक और स्टेप करना पसंद करती हूँ मैं, वो है ये मॉर्फी की पिद्दी सी पैलेट है मेरे पास, इसमें तीन शेड है। ये जो डार्क शेड है ना, इससे मैं लाइनर जैसी लुक क्रिएट कर लेती हूँ सम डेज और एवरीडे सम डेज। ऐसा फ्लैट ब्रश लूँगी मैं, इससे हम पहले तो लोअर लैश लाइन पर लगा लेते हैं, ऐसे लगेगा कि काजल लगाया है और ऐसे लगता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा समय स्पेंड किया है अपनी आई लुक पे। सी प्रिटी। इसी तरह इस तरफ कर लेते हैं। मेरा ना शीशा भी मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, मैंने दिखता प्यार नहीं है अभी कितने भी कुछ भी कर रही हूँ मैं। सो ये हो गया डन। अब क्या करेंगे, मस्कारा आजकल ना मैं यूज़ कर रही हूँ, ये लैनकॉम का की नाम है ना, लैनकॉम का लैश आई डॉल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मस्कारा है। इसे जब मैं लगाती हूँ ना, फिर मेरा लैशेस लगाने को लिए मन नहीं करता, क्योंकि इसके साथ इतनी ज़्यादा प्यारी वॉल्यूम आ जाती है। 2-5-10 कोट लगा ले इसके, जितने भी आप लगाना चाहें। मैंने वहाँ पे भी लगा लेते हैं ताकि अखा थोड़ी ओपन लगे। मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आज मुझे लैशेस लगानी है फॉर सम रीज़न। देखिए कि एक कोट से कैसी हो गई हैं लैशेस, खूबसूरत राइट। अगला स्टेप है मैं क्विकली अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। बर्फी का ये प्यारा सा ब्रश है, इसमें स्पूली भी है, तो इसकी स्पूली यूज़ कर लेते हैं। सो यही प्रोडक्ट ना मैं मेरी विंग भी क्रिएट कर लेती हूँ मेरे आईज पे। थोड़ा सा थोड़ा कम प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती हूँ ना, अलग अलग से चीज़ें नहीं खोलती हूँ मैं। सो इस तरह मेरा प्यारा सा आई मेकअप क्रिएट हो चुका है। अब लिपस्टिक के लिए मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है, जो लिपस्टिक वो यहाँ पे नहीं है, ओके कोई और कर लेते हैं। ये सफोरा की नंबर 16 है, नंबर 13 है, बहुत ही प्यारा सा पिंक है। अगर आप पिंक के लवर हैं, नूडिश काइंड का पिंक है, ब्राउन स्किन पर बहुत अच्छा लगेगा। अभी रेफरेंस के लिए मैं बता देती हूँ, मेरी स्किन है NC38 फ्रॉम मैक। थोड़ा ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा स्टेन करके ना अपनी फिंगर से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ ताकि नेचुरल लगे, क्योंकि फॉर सम रीज़न जेडी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा आता टू द पॉइंट एंड परफेक्ट होती है, वो मुझे मेरे लिप्स पे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे लिप्स की शेप थोड़ी लिपस्टिक के लिए नहीं ज़्यादा अच्छी नहीं है मुझे लगता है। सो स्टेन करने के लिए ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा अखा, ताकि बहुत लोगों की अटेंशन मेरी लिप्स पे मत आए, इसलिए ज़्यादातर मुझे लिप्स को स्टेन करना ही अच्छा लगता है। सो अब मेरी लिप्स की डन हो चुका है, यही मेरा एवरीडे किस्म का आई मेकअप है। एंड जल्दी से मैं मेरी फाउंडेशन वाली वीडियो को फिनिश कर दी हूँ, देन हम हमारे दिन के व्लॉग के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड आपके साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी करनी है। सो हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी ही देर में।
try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that? Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. We stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? प्यारे दोस्तों, फूड रेडी हो गया। हस्बैंड ने मैं फुल्का देता पर वो फुल्का खा रहे, फुल्का खा के खुश नहीं होंगे। कीड़ा तो आया होगी। दाल, अरबी, अचार, रोटी, पति नाखुश है क्योंकि वो कहते हैं कि तू हमेशा अपनी फेवरेट चीजें बनाती रहती है। पर दाल भी तो बनाई है मैंने। To always be fearless and far out.
ओके सो मैं चली गई थी सिवान लैशेस की शिपिंग करने के लिए. बाय द वे आपको बता दिया ना मैंने, ये ज्वेलरी एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मेकअप ब्रशेज एंड लैशेज हैं हमारे पास, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो आज ना मैं हमेशा जो नेल पॉलिश पहनती हूँ ये ऐसी की टॉपलेस एंड बेयरफुट, 365 दिन मेरे नेल्स पे यही होती हैं, अनलेस अगर मैंने नेल एक्सटेंशन करवाए हों, जो कि अब बहुत ज़्यादा नहीं करवाती हूँ मैं. सो ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है क्योंकि बार 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 मैं लगाती रहती हूँ ये. थोड़ी सी पिद्दी सी रहेगी पर ना काइंड ड्राई होगी, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ. सो इसको लेने के लिए गई थी मैं एंड नहीं मिली है मुझे, ये सोल्ड आउट है हर जगह. सो इसके लिए मैं गई शॉपर्स, कनेडियन सुपर स्टोर एंड ऑल्सो वॉलमार्ट, किसी जगह पे भी नहीं थी. सो मैंने ना एक और ली है. वैसे मैं ना अगर कोई और नेल पेंट ले लूँ मैं बाद में पछताती हूँ कि यार एवें ले ली, क्योंकि मुझे कलर नहीं पसंद आता है. पर मैंने थोड़ा टेस्ट किया, नॉट बैड है. पर मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है. पर या ये सस्ती आती है, ये मुझे लग रहा है $15 में मिलेगी आपको, और ये 5 में मिल जाती है क्योंकि ये ज़्यादातर सेल पे होती है. एंड वैसे ये इसका ये है कि ये इंस्टा ड्राई है, सैली हैंसन इंस्टा ड्राई. सो या ये ले लिया मैंने, अब देखते हैं इसका. वैसे ना मुझे ब्रश बहुत अच्छा लगता है, बड़ा वधिया फ्लैट है, एकदम से सारे नेल्स कोट हो जाते हैं. दैट्स गुड अबाउट दिस नेल पेंट. इसको लगाएंगे ना आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है. मुझे नूड किस्म के नेल पेंट्स लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो इस वजह से. कितना सीरियस होकर नेल पेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेल्स की टेक केयर करना अच्छा लगता है कि नेल्स हमेशा टू द पॉइंट लगे. सो इस वजह से मैं ज़्यादातर नूड किस्म की नेल पेंट लगाती हूँ, क्योंकि अगर नूड हो तो ज़्यादा यू नो जब फ्लॉज आते हैं, चिप होता है तो ज़्यादा नोटिस नहीं होता. तो जब चिप होता है या कुछ भी होता है आपके नेल्स को ज़्यादा नोटिस नहीं होता, इसलिए मुझे नूड अच्छा लगता है. कैन यू लेट मी फिनिश, यू बॉदरिंग मी. सो अगर नूड नेल पेंट हो और वो चिप हो जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं होता, इस वजह से मुझे नेल्स नूड रखना अच्छा लगता है. बहुत सारे लोग आप पूछते रहते हैं कि तुम्हारे नेल्स हमेशा अच्छे दिखते हैं. थैंक यू सो मच. हमेशा अच्छे नहीं दिखते, वो बस प्रिटेंड होता है कि अच्छे हैं, क्योंकि नूड नेल पेंट होने की वजह से आपको इम्परफेक्शंस दिखती नहीं है. तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं, अनलेस आपको ब्राइट कलर अच्छे लगते हो, क्योंकि कईयों की हैंड्स ब्राइट बहुत अच्छे लगते हैं. पर ब्राइट नेल्स अगर आप घर का काम करते हैं तो एक दो दिन ही टिकेंगे एंड फिर चिप हो जाते हैं, फिर बेचारे या तो उनको बदलो, क्योंकि मुझे ना अजीब सा होता रहता है कि देख देख के कि अद्धा उतरा हुआ है रेड या डार्क मरून या कुछ ऐसे रंग. सो इसलिए मैं नूड लगाती हूँ. दैट्स अ इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेल पेंट. एक और चीज़ है कि अर्लियर मेरी स्किन ज़्यादा गोल्डन एंड वार्म टोन की तरफ थी, तो अभी मुझे जो मेरे पास फाउंडेशन है मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पर अच्छे नहीं लग रहे, वो मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा पीले लग रहे हैं. मेरी जो स्किन टोन है काइंड ऑफ न्यूट्रल एंड ऑलिव किस्म की लग रही है मुझे आजकल, एंड जिसकी वजह से मैंने आपको अर्लियर भी बताया या पिछली किसी वीडियो में बताया होगा जिसमें मैंने आपको स्कार्स कवरिंग की वीडियो बताई, इसके चलते मैं एक नया फाउंडेशन लेके आई हूँ. ये फाउंडेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. ये मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट है. यूजली मैं जो कलर यूज़ करती हूँ वो 5A नेचुरल बेज है, जो वार्म है वो वार्म टोन देता है, नेचुरल अच्छा टोन देता है, पर वो मेरे लिए बहुत परफेक्ट मैच है. जब मैंने ये सैंड ट्राई करके देखा ना, ये भी बहुत अच्छा मैच था मेरी स्किन पे. सो मुझे लगता है ये सैंड को एंड नेचुरल बेज को मिक्स करके परफेक्ट शेड बनेगा. और वैसे भी अगर आपका जो फाउंडेशन है थोड़ा डार्कर साइड पे हो और आप हाईलाइट कर लें अपने चेहरे को तो बहुत अच्छा लगता है. ये इन्फॉर्मेशन भी उन दोस्तों के लिए जिनको मेकअप की इन्फॉर्मेशन, मेकअप की नॉलेज अच्छी लगती है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी मेकअप वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है. आप देखें कि कितना वधिया ना मैच. अगर आप अपने चेहरे पे अच्छा फाउंडेशन चाहते हैं जो आपके फेस पे पूरा परफेक्ट लगे, क्योंकि अगर आपका जो फाउंडेशन शेड है आपके चेहरे के साथ मैच नहीं करेगा, गर्दन के साथ मैच नहीं करेगा, तो बहुत अजीब लगता है. तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फाउंडेशन को टेस्ट करना है, जो सबसे ज़्यादा कोल मिल जाता है आपकी गर्दन एंड चेहरे से, वो शेड आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे आपको प्रोडक्ट कम यूज़ करना पड़ेगा. अदरवाइज जो चेहरे पे लगाएंगे वो गर्दन पे लगाएंगे, गर्दन पे लगाएंगे चेहरे पे लगाएंगे, सो मैच करता हुआ ही लेंगे. अजीब लगता है, तड़ किसी और का लगता है, सिर किसी और का. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो चुकी है मेकअप के बारे में. एंड अभी ये जो मैंने किया है इसको सेट कर लेती, क्योंकि मैं बाहर वॉक करने के लिए जाने वाली हूँ. एंड कलर्स के, मेरी स्किन के कलर का आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं NC38 हूँ मैक, क्योंकि मुझे लगता है कि वही शेड सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज होते हैं एंड सारे लोग उसी की एग्जांपल देते हैं. सो अगर आपने मैक का फाउंडेशन ट्राई किया है तो
तो मेरा शेड 38 है। अभी ये जो मैक का नया शेड फाउंडेशन आया है सिरम वाला, वो मेरा बहुत मन कर रहा है उसको ट्राई करने के लिए। बट सिरम फाउंडेशन का ये है कि अगर आपके चेहरा ऑलमोस्ट परफेक्ट है उसको उसके लिए अच्छा है, ताकि आपका जो स्किन है इवन लगे। पर अगर आपके चेहरे पर स्कार्स हैं और ज़्यादा ही इम्परफेक्शन है मेरी तरह, महंगा फाउंडेशन है वो $60 का। आई डोंट नो, मैं $60 इन्वेस्ट करना चाहूँगी उस फाउंडेशन पे जो आपको कवरेज नहीं देता इतनी। वैसे वो बोल रहे हैं कि बिल्डेबल है, पर या अगर फ्यूचर में मैं यूज़ करना चाहूँ, आई रियली लाइक इट। उसकी फिनिश बहुत अच्छी है वैसे। या ये जो मेकअप का सेक्शन था डन है, चाय बना दें। यार कई बार ऐसे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, पर जितना मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करनी शुरू करी है, उतना मैंने पता चल गया कि मैंने तो पता ही कुछ नहीं है। आ गया तो फिर आही की कड़ी है, राइट मिमी? बहु ना करो यार, क्यों तंग कर दिया। मेरा प्लांट ना सुट दो गाइस। हिम्मी एप्पल खाना। मैं हस्बैंड और हिम्मत पार्क में वॉक करने के लिए चले गए थे एंड अब वापस आए हैं। एंड करेले को मैंने काटा नहीं था, अभी काट के लून लगा के रख लेते हैं, कल कुक कर लेंगे। क्योंकि दाल जो मैंने आज कुक की है वो अच्छी क्वांटिटी में कर ली है, कल भी मेरा काम चल जाएगा। एक सब्जी फ्रेश हो जाएगी, एक कपाई। सो वी आर गुड। अभी मुझे क्या करना है, राइस बनाने हैं दाल के साथ, हिम्मत को वो खाएगा एंड मैं खाऊंगी एक फुल्का सब्जी के साथ। एंड हस्बैंड स्किप करने वाले हो, अगर मैं सिर्फ सैलड खाऊंगा। एंड अब किचन को जल्दी से समेट देते हैं, समय वैसे 7:00 ही हुआ है। थोड़ा सा किचन को क्लीन कर देते हैं जब तक हिम्मत एंड हस्बैंड वापस आएंगे, फिर मुझे हिम्मत की पढ़ाई पे भी थोड़ा सा समय स्पेंड करना है। सो वी क्विकली डू द क्लीन अप। दोस्तों एक ना मैं फ्रिज देख रही थी तो एक अरबी का टुकड़ा रह गया, अभी ये बेस्ट रह जाएगा बेचारा। तो मैंने सोचा कि इसको काट के फ्राई करके ऑलरेडी बनी हुई सब्जी में ऐड कर देते, नहीं तो बेचारा रोलदा रहेगा। ओके, सो आज हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम के बारे में, लो सेल्फ एस्टीम। अभी सेल्फ एस्टीम है हमारा कॉन्फिडेंस, हमें अपना आप कैसे लगता है। सो अभी कॉन्फिडेंस के लिए ये है कि आप कॉन्फिडेंट होना फेक कर सकते हैं, बट आपको अंदर से अपने बारे में क्या फील होता है वो है आपका सेल्फ एस्टीम। कि आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट है या नहीं, आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंट प्रिटेंड कर सकते हैं, पर अगर लोग आपके पास नहीं है, जो आपका रियल सेल्फ है वो आपका सेल्फ एस्टीम है। अगर आप लो सेल्फ एस्टीम से
डील कर रहे हैं, तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हैं। लो सेल्फ एस्टीम है कि आप में डिसीजन लेने की पावर नहीं है, बेसिक डिसीजन नहीं ले पाते। लाइक रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर क्या करना है, इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। करियर में क्या करना है और बहुत सारी चीज़ें, आप डिसीजन मेकिंग स्किल आपका लो हो जाता है जब आपका सेल्फ एस्टीम लो है। एंड आप बहुत जगह पर बोल नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि आप सही नहीं लगेंगे, या फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो लो सेल्फ एस्टीम को दर्शाती हैं। अभी आपको अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए, हाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मेरे हिसाब से आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। आपको पता होगा कि आप में अच्छा क्या है। हर एक बंदे में कुछ अच्छा एंड कुछ बुरा होता है। अगर आप सिर्फ बुरी चीज़ों को सोचेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम ऑब्वियसली लो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं कर सकते हैं। सो हमें फोकस करना है हमारी क्वालिटीज़ की तरफ, कि हमें अच्छा क्या है। सो अगर आप अपनी क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव करते हैं या और इन्हेंस करते हैं, तो आपका ऑब्वियसली सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। एंड आप नॉलेज इकट्ठी करें, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आप रीड करें। जितना रीड करेंगे उतना आपको अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आपको पता चलेगा, नॉलेज जब इकट्ठी होती है ना, तो फिर बंदा कॉन्फिडेंट फील करता है कि यार ये चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है। क्योंकि अपने आप के साथ अच्छा बिहेव करें, काइंड बन के रहें अपने साथ, क्योंकि अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आपको दुनिया कैसे पसंद करेगी। सो बी वेरी 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 काइंड टू योर सेल्फ। साथ ज़्यादा समय स्पेंड करें अपने आप को जानें कि आप कैसे हैं। वो आप मेडिटेशन के तरीके से कर सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी की आप अपने साथ क्वाइट समय स्पेंड करें, आपको पता चले कि एक्चुअल में आप कैसे हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें पता ही नहीं है हम कैसे हैं, हम फेक करते रहते हैं। हम स्कूल में किसी और तरह के, जॉब पे कहीं किसी और तरह के, पेरेंट्स के सामने कुछ और हमें पता ही नहीं है कि असल में हम कैसे हैं। सो ज़रूर से अपने साथ थोड़ा समय स्पेंड करा करें। अगला है कि अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करें। आपको दुनिया, आपको बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आप से वो अलग है। अगर आप उससे अपने आप को कंपेयर करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, सैड होंगे, एंड ऑब्वियसली आपका सेल्फ इस्टीम और लो हो जाएगा। सो अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करें, क्योंकि हर एक की जर्नी डिफरेंट है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से है, हर एक को डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। दो ट्विन्स भी सेम नहीं हो सकते हैं, जो एक को साथ पैदा हुए, एस्ट्रोलॉजी भी उनकी शायद सिमिलर हो, बट फिर भी वो सेम नहीं होते हैं और उनको सेम चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो नेवर नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद समवन। अगली चीज़ है कि अपने साथ ना प्रैक्टिस करें पॉजिटिव थॉट्स की एंड पॉजिटिव बातें करने की। आप शीशे में देख के पॉजिटिव बातें कह सकते हैं अपने बारे में, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने बारे में। आपको लुक में कुछ अच्छा लगता है, या आपको अंदर की कोई क्वालिटीज़ अपने बारे में अच्छी लगती हैं, ये काइंड की थेरेपी है। शीशे में देख के अपने आप को बातचीत किया करें पॉजिटिव, सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड समय लगेगा, आप अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर पाएंगे। एंड अपने अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने साथ काइंड होके रहें, पॉजिटिव रहें। और जब भी आपको लगता है कि आप अपने साथ क्रिटिसाइजिंग हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, वहीं पे स्टॉप करके थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव कर ले। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं, एटलीस्ट जब आपको ख्याल आता है कि ओ माय गॉड मैं बुरा सोच रही हूँ अपने बारे में, वहीं पे स्टॉप करके चेंज करें। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए, हाई करने के लिए। बस थोड़ा अपने हाई पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखा करें। खूबसूरत कपड़े पहना करें, खूबसूरत तैयार होकर रहा करें, बाल अच्छे बनाया करें अपने हैंड्स के, नेल्स को, यू नो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बूस्ट करती हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो मम्मियाँ हैं जिनके पास बच्चे हैं, वो अपने आप को भूल जाती हैं, घर की चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती है, इतना ज़्यादा उसी में घुस जाती हैं कि अपनी केयर ही नहीं करती है। जब आप अपनी केयर नहीं करते, अपने ऊपर समय नहीं स्पेंड करते, उनका एस्टीम ऑल ऑब्वियसली नीचे जाएगा। क्योंकि आप लोगों को देखेंगे कि ओ ये तो बहुत अच्छा बन ठन के बैठे हैं, एंड आप नथिंग। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा बन ठन के रहा करें एंड इन्जॉय करें एवरी डे को, लाइक फुलफिल्ड फील करेंगे आप। सो ये थी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी टिप्स आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बार में ज़रूर से बताना। अगर आपके पास कोई प्यारी सी ब्यूटीफुल सी टिप है तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी टिप्स को यूज़ करना एंड पढ़ना। एंड अरबी जो एक पीस था वो कुक कर रही हूँ मैं, बांधी हो गई थी गैस, अब थोड़े से राइस बना लेती हूँ हिम्मत के लिए, एंड करेले को काट के लून लगा देते हैं। और गैस तो कुक कर रही हूँ मैं और हिम्मत भी आ चुका है।
ऑलराइट प्यारे दोस्तों, इसी तरह आज के व्लॉग से हम डन हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, एंड मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। एंड simorshop.com पे जाना बिल्कुल मत भूलिए, वहाँ पे बहुत प्यारी, बहुत ही गुड क्वालिटी की ज्वेलरी है, मेकअप ब्रशेस हैं, लैशेस हैं, एंड और भी बहुत सारे स्टाइल्स हम उसमें और ऐड करने वाले हैं। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय, लालू।